फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ रेन लिली। और रेन लिली के बल्ब्स दोस्तों लगाने बहुत ही आसान हैं। और ये देखिए, ये एक पॉट में थे मेरे और कितने सारे ये मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो आज मैं इनको रिपॉट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा घने हो गए हैं और इनकी जड़ें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि इनको 3-4 ट्रीज़ में मैं लगा लूँ और जिससे मेरे जो पौधे हैं वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आने वाले मानसून में ये फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। तो ये जो आप प्याज की तरह इनके बल्ब्स और पत्तियां देख रहे हैं दोस्तों, ये रेन लिली है और ये वाइट कलर की है। देखिए इसके जो ये छोटे छोटे बल्ब्स हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मैं इनको निकाल कर और अलग अलग कर रही हूँ जिससे कि ये और मल्टीप्लाई हो। और ये देखिए जड़ें इसकी कितनी ज़्यादा हो गई हैं, तो थोड़ी जड़ें मैं कम कर ली हैं मैंने। और इस तरह से मैं आज अपनी ट्रेस भरूँगी। तो दोस्तों, जो मैं मिट्टी बना रही हूँ वो बहुत ही पोरस होनी चाहिए, उसमें खाद, गार्डन सॉइल और थोड़ा रेत हम मिला के उसको वेल ड्रेन सॉइल बना रहे हैं। और दोस्तों, साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें बोन मील मिलाया है जिससे कि हमारे जो बल्ब्स हैं उनको फॉस्फोरस मिल जाए और वो अच्छे से हो जाएं। तो दोस्तों, जितना बड़ा बल्ब होगा उतनी जल्दी उसमें हमें फ्लावर्स मिलेंगे। तो ये मैंने सारी ट्रेस लगा ली हैं और एक ये पिंक वाली है तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा है प्याज की तरह, तो ये देखिए ये मैंने लगा दिया है और इसमें फूल भी खिल गए हैं क्योंकि एक दो दिन पहले हमारे यहाँ बारिश हुई थी तो इसमें कली बन गई होगी और ये खिल भी गई है। आज जैसे जब मैंने इसको लगाया तो ये खिल भी रही है। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी अपने, अगर आपके पास रेन लिली के बल्ब्स हैं तो उनको लगा लीजिए और उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। और आने वाले टाइम पर जब ये बारिश आएंगी तो ये फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। ये आप रास्ते में, गार्डन में और कहीं भी इनको ट्रेस में, गमलों में आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही हार्डी पौधा है ये दोस्तों। और इसकी ज़्यादा केयर की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप जब एक बार पॉटिक मिक्स बनाएं उसी वक्त अच्छे से उनको खाद दे दीजिए जिससे कि आपके जो पौधे हैं, ये जो आपके बल्ब्स हैं, अच्छे से मल्टीप्लाई हो सके और बहुत ही सुंदर आपको आने वाले टाइम पर फूल देंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे बताइए। और चलते चलते मैं आपको एक और बल्ब है वो भी लगाना सिखा रही हूँ। मैं कैलिडियम के बल्ब्स आज लगा रही हूँ, तो उसके लिए भी मैंने जो गार्डन सॉइल का मिक्सचर, पॉटिंग मिक्स बनाई है वो भी यही है। जितने भी बल्ब्स होते हैं दोस्तों, इनको फॉस्फोरस बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होती है जिस टाइम पे ये लग रहे हों। तो आप उसमें बोन मील अगर डाल देंगे तो आपके बल्ब्स जो हैं वो काफ़ी हेल्दी भी हो जाएंगे और सुंदर भी लगेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ, और ये देखिए ये है कैलिजियम के लिए मैं ये लगा रही हूँ अपने जो बल्ब्स हैं। और ये दोस्तों मेरे यहाँ क्यारी में ही पड़े हुए थे तो अब मैंने इसको निकाला है और मैं वही इसको लगा रही हूँ। तो एक एक गमले में मैं 3-4 बल्ब्स लगाऊंगी और जिससे कि बहुत ही अच्छे पत्ते हमें देगा। और ये दोस्तों, ये वाला जो मेरा बल्ब है थोड़ा कट भी गया है साइड से, शायद कोई खुरपी वगैरह लग गई होगी इसमें, तो फिर भी हम इसको ट्राई करते हैं कि देखते हैं क्या पता अच्छे से हो जाए ये। ये देखिए मैं सारे इस तरह से लगा रही हूँ और ये डिफरेंट शेड्स में होते हैं फ्रेंड्स। कैरिडियम के जो पत्तियाँ होती हैं अलग अलग कलर में आती हैं और ये शायद मेरे पास जो है ग्रीन में इसमें डॉट्स हैं वाइट और रेड कलर के। तो जब ये निकलेंगी तब हम देखेंगे कैसे ये पत्ते निकलते हैं इसमें। और इस तरह से मैंने ये 3-4 बल्ब्स एक ही गमले में लगा दिए जिससे कि मैं चाहती हूँ कि काफ़ी भर के आए, तो ये मैं 2-3 गमलों में लगा देती हूँ जितने भी मेरे पास बल्ब्स हैं। तो इस तरह से, और जब ये निकलेंगे 10 दिन में तब मैं इसका अपडेट आपको दूंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।